विजय हजारे ट्रॉफी के सातवें राउंड के साथ लीग मैचेस का समापन हो गया और टीमें क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई और अब नॉकआउट्स की बारी है। लेकिन उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये रही, जो टीमें प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची उनके लिए आखिरी दिन के मुकाबले बड़े इंटरेस्टिंग थे। सर्विसेज की टीम ने ग्रुप की टॉप टीम विदर्भा को हरा दिया आखिरी दिन। उत्तराखंड ने दिल्ली को हरा करके उलटफेर किया। महाराष्ट्र की टीम ने एक बड़ी जीत दर्ज की जिसके बाद प्री क्वार्टर फाइनल में उन्होंने अपनी जगह पक्की की। और मुंबई की टीम जो क्वार्टर फाइनल पहुंचने वाली थी आखिरी मैच में उड़ीसा से हार करके अब वो प्री क्वार्टर फाइनल खेल करके क्वार्टर फाइनल जा सकते हैं। तो बात करते हैं कैसा रहा है प्रदर्शन ओवरऑल सभी मैचेस में। पहले सिक्किम वर्सेस सौराष्ट्र के मैच की बात करते हैं। सिक्किम ने 165 बनाए, सौराष्ट्र मजबूत टीम है ऑब्वियसली, लेकिन इस बार क्वालिफाई नहीं करी है ना क्वार्टर फाइनल के लिए ना प्री क्वार्टर फाइनल के लिए। तो 165 रन के जवाब में सौराष्ट्र की तरफ से हार्दिक देसाई ने 53 गेंदों पर 101 रन की धमाकेदार पारी खेली। हार्दिक देसाई लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट में, रेड बॉल में, लिस्ट ए क्रिकेट में, T20 क्रिकेट में जबरदस्त प्रदर्शन करते रहे। इस साल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी उनका प्रदर्शन बहुत जबरदस्त रहा था और अब ये 53 गेंदों की सेंचुरी ने आने वाले IPL के लिए उनका दावा जरूर मजबूत किया। जिन टीमों को विकेट कीपर, बैट्समैन चाहिए, ओपनर चाहिए, वो हार्दिक देसाई की तरफ देखेंगी। और इंडिया ए का जो सिलेक्शन हुआ था जहां पर KS भारत को विकेट कीपर बैट्समैन बनाया गया था, शायद हार्दिक देसाई के बारे में सोचा जा सकता था बिकॉज वो बहुत दिनों से अंडर 19 डेज से लेके अब तक लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्म करते रहे और पिछले दो सीजन तो फॉर श्योर कहे जा सकते हैं जो उनके लिए बहुत बेहतरीन गए हैं। उसके बाद रेलवेज वर्सेस केरला के मैच की बात करें, केरला की टीम को हार का सामना जरूर करना पड़ा। रेलवेज ने 255 बनाए थे, जवाब में केरला सिर्फ 237 बना सकी। लेकिन केरला के कप्तान संजू सैमसन ने 128 रन की पारी खेली। फाइनली संजू सैमसन के लिस्ट ए करियर का दूसरा शतक देखने को मिला और उन्होंने अपनी इस सेंचुरी से सेलेक्टर्स को कुछ जवाब तो जरूर दिया होगा कि उनको क्यों बार बार नज़रअंदाज किया जाता रहा इंडियन क्रिकेट में। और स्पेशली ये सेंचुरी जिस नंबर पर बनाई गई है, 5 नंबर पर थ्रू आउट द सीजन उन्होंने बल्लेबाजी की है और ये सेंचुरी भी उन्होंने 5 नंबर पर खेल करके बनाई है। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि 7 मैचेस में सिर्फ 2 पारियां थी जो संजू सैमसन की 50 रन से ज़्यादा की पारियां थी इस सीज़न अगर आप बात करेंगे। उसके बाद उड़ीसा वर्सेस मुंबई जो उलटफेर देखने को मिला, उड़ीसा ने 199 रन किए। मोहित अवस्थी जबरदस्त गेंदबाज रहे हैं इस सीज़न और IPL में जिस भी टीम को फास्ट बॉलर चाहिए होगा वो मोहित अवस्थी की तरफ देख सकती है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था गेंद के साथ। यहाँ पर भी उन्होंने 6 मैचेस में 15 विकेट लिए। इस मैच में 30 रन देकर के 3 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया और साथ में देवव्रत प्रधान भी जबरदस्त गेंदबाज इस सीज़न उड़ीसा के लिए रहे। इस मैच में भी उन्होंने 2 विकेट लिए और टोटल सीज़न में उनके 18 विकेट हैं, सेकेंड हाइएस्ट विकेट टेकर हैं इस सीज़न के अगर बात की जाएगी। लेकिन मज़े की बात यह थी कि 199 के जवाब में मुंबई की वो टीम जो हमेशा एक मजबूत टीम मानी जाती है सिर्फ 113 रन बना सकी, सिर्फ 113, 86 रन से उनको हार का सामना करना पड़ा उड़ीसा के खिलाफ, जिस टीम में शिवम दुबे खेल रहे हैं, जिनके रहाणे खेल रहे हैं और भी बहुत सारे प्लेयर हैं जो नामी प्लेयर हैं जो मुंबई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद दिन के सबसे एक्साइटिंग मैच की बात, महाराष्ट्र, उन्होंने 427 रन बना दिए मणिपुर के खिलाफ और अंकित बाब ने इस सीज़न 491 रन तो उन्होंने बनाए बनाए हैं, साथ में 167 रन की पारी खेली 105 गेंदों पर। लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इनसे ना सिर्फ इस सीज़न बल्कि पिछले कई सीजन से देखने को मिलती रही है। रेड बॉल क्रिकेट में भी ठीक ठाक इन्होंने किया है, T20 क्रिकेट में भी नंबर्स इनके बेहतर रहे हैं, तो यहाँ पर लिस्ट में इनका अच्छा प्रदर्शन जारी है। लेकिन मैं मेंशन करूँगा निखिल नाइक को, क्योंकि T20 क्रिकेट भी जब खेल रहे थे तो इन्होंने वहाँ पर भी अच्छा प्रदर्शन किया, अभी लिस्ट में भी अच्छा प्रदर्शन इनसे देखने को मिला और इसमें मैच में लास्ट में जो फिनिश था 11 गेंद पर 33 रन जिसमें 5 छक्के निखिल नाइक ने मारे, तो वही अगेन जिन टीमों को IPL में इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए, स्पेशली मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन चाहिए, वो निखिल नाइक की तरफ जरूर देखेंगी क्योंकि इस सीज़न उन्होंने लगातार इम्पैक्टफुल रन बनाए हैं। जवाब में मणिपुर की टीम सिर्फ 260 रन बना सकी। उसके बाद मिजोरम की बात करें और कर्नाटका के मैच की बात करें तो कर्नाटका के लिए एक बार फिर से यहाँ पर वासुकी कौशिक इमर्ज होके आए हैं। इस सीज़न वासुकी कौशिक की गेंदबाजी बहुत ज़बरदस्त देखने को मिली है, टॉप विकेट टेकर की लिस्ट में वो भी हैं और 16 विकेट उन्होंने इस सीज़न हासिल किए हैं। अब वासुकी कौशिक अगर आप देखें
तो आपको देख के ऐसा लगेगा कि पेस भी ऐसी खास दिखाई नहीं दे रही, कुछ अलग सा आपको नहीं दिखेगा, एक्सेप्शनल चीज़ आपको नहीं दिखेगी। लेकिन आप परफॉर्मेंस देखेंगे, सिर्फ इस सीज़न की बात नहीं है, पिछले सीज़न देखिए, रेड बॉल क्रिकेट में देखिए, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करके दिखाई है। इस पर्टिकुलर मैच में अगर आप बात करेंगे तो 8.2 ओवर में 5 मेडन इन्होंने डाले हैं, 7 रन दिए हैं और 4 विकेट हासिल किए हैं। 16 रन 16 विकेट उन्होंने इस सीज़न हासिल किए हैं। खास बात जो मैंने देखी है वो शायद उनके पास जो गेंद को कट कराने की काबिलियत है, मूव कराने की काबिलियत है ऑफ द विकेट, वो उनको एक एक्सेप्शनल गेंदबाज बनाती है और डिफ़िकल्ट टू प्ले बनाती है। इसलिए रेड बॉल क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में, लिस्ट ए क्रिकेट में उनको खेलना इतना आसान नहीं रहा है। जिस तरह से एक वक्त पर मोहम्मद आसिफ की बात होती थी कि दुनिया के क्रिकेट में बहुत स्किलफुल बॉलर हैं, ही इज़ ऑल्सो अ स्किलफुल बॉलर। अगर मैं वासुकी कौशिक की बात करूं, शायद उतना पेस नहीं है, उतना हाइप उनको अब तक नहीं मिली है, लेकिन जो परफॉर्मेंसेज रही हैं और जिस तरह से उन्होंने विकेट निकाले हैं, तो तरीके और परफॉर्मेंस को देख के मैं ज़रूर कह सकता हूं कि ही इज़ अ वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट। बट मौका उनको कम मिल पाएगा, कहां मिल पाएगा, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा मेरे लिए भी। मनोज भांडे ने 19 रन देकर के 2 खिलाड़ियों को आउट किया, साथ में कृष्णप्पा गौतम ने भी अच्छी गेंदबाजी की। उसके बाद जम्मू कश्मीर वर्सेस हरियाणा के मैच की बात अगर करें तो हरियाणा तो एकदम परफेक्ट टीम दिख रही है, स्पेशली गेंदबाजी की बात करें। अंशुल कंबोज लगातार अच्छा प्रदर्शन जारी है, 2 विकेट यहां पर लेके गए। सुमित कुमार एक प्योर गेंदबाज नजर आ रहे हैं, बल्लेबाजी में तो अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है लेकिन लगातार अच्छी गेंदबाजी उनसे देखने को मिल रही है, 1 विकेट उन्होंने यहां लिया। साथ में जब बैटिंग आई तो 19 रन बनाए 14 गेंदों पर। राहुल तेवतिया पिछले 5 मैचेस से लगातार 5-50 रन से ज़्यादा की पारियां खेल चुके हैं, इस मैच में 67 किए, साथ में गेंदबाजी से 33 रन देकर के 2 खिलाड़ियों को आउट किया। निशांत सिंधु ने 1 विकेट तो लिया ही लिया, साथ में 61 रन की पारी भी खेली। उसके अलावा यूजी चहल ने 2 विकेट लिए, हर्षल पटेल ने 2 विकेट लिए। तो हरियाणा की टीम फिर जम्मू एंड कश्मीर पर भारी तो पड़नी थी, चाहे उन्होंने कितने भी रन बनाए हों। उसके बाद उत्तराखंड की टीम जो इस बार प्री क्वार्टर फाइनल खेलेगी, उन्होंने भी एक उलटफेर किया, दिल्ली की मजबूत टीम को उन्होंने 170 रन पर ऑल आउट कर दिया। उत्तराखंड ने पहले बैटिंग की, 221 बनाए। दिल्ली की तरफ से नवदीप सैनी पिछले कुछ मैचेस से अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, इस मैच में भी उन्होंने 3 विकेट लिए। हर्षित राणा ने 1 लिया और आयुष बदोनी इस सीजन गेंद के साथ बड़े इंप्रेसिव रहे हैं और उन्होंने 5-6 मैचेस जो खेले हैं उसमें उन्होंने 5 विकेट भी निकाले। लेकिन उत्तराखंड की टीम की बात करूंगा, अवनीश सुधा जब से इन्होंने जो अंडर-23 टूर्नामेंट हो रहा था उसके बाद से टीम को ज्वाइन किया, 6 मैचेस खेले जिसमें 50 से ज़्यादा के 4 स्कोर हैं, 85-51-60-50, ये 4 पारियां इन्होंने खेली हैं 6 मैचेस में से। टोटल 253 रन बनाए और साथ में 8 विकेट भी हासिल किए, ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हैं, तो ये बड़े इंप्रेसिव रहे इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। अंडर-23 में भी इनके बल्ले से 2 सेंचुरीज देखने को मिली थी और उसके पहले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी इन्होंने कुछ इंप्रेसिव पारियां खेली थी, तो ये बड़ी नोटिसेबल परफॉर्मेंस रही। और वो 221 जो बने, जवाब में आयुष बदोनी ने तो एक 80 ऑड रन की पारी खेली, बाकी कोई भी बल्लेबाज दिल्ली की तरफ से बड़ा स्कोर नहीं कर सका। और आयुष बदोरी ने इस सीज़न 277 रन बनाए और साथ में 5 विकेट इस सीज़न हासिल किए हैं। उसके बाद बंगाल वर्सेस पंजाब के मैच की बात, तो बंगाल ने 242 किए, 85/6 हो गया था एक वक्त बंगाल की टीम का स्कोर, और अनुस्तुभ मजुमदार बल्लेबाजी कर रहे होते हैं उस वक्त पर, उन्होंने 111 नॉट आउट की पारी खेली साथ में करण लाल के साथ, जिन्होंने 66 रन बनाए, उनकी एक पार्टनरशिप बनी, 242 बन गए। लेकिन पंजाब की तरफ से बलतेज सिंह ने 35 रन देकर के 5 खिलाड़ियों को आउट किया और सिद्धार्थ कौल जो इस विजय हजारे ट्रॉफी के हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, उन्होंने टोटल 19 विकेट लिए, इस मैच में उन्होंने 1 विकेट लिया। लेकिन पंजाब की बैटिंग पूरी तरह से फेल रही, जो T20 क्रिकेट में बहुत अच्छा कर रही थी लेकिन विजय हजारे ट्रॉफी में लॉन्गर फॉर्मेट में वो सारे बल्लेबाज ज़्यादातर मौक़ों पर फेल साबित हुए हैं, तो 190 रन पर पंजाब की टीम ऑल आउट हो गई। उसके बाद नागालैंड और तमिलनाडु के मैच की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेट लिए, फाइफर लिया 9 रन देकर के 5 विकेट उन्होंने 5 ओवर में लिए। उसके अलावा साई किशोर ने 21 रन देकर के 3 खिलाड़ियों को आउट किया
और जवाब में वो छोटा सा टोटल था तो साई किशोर खुद ही ओपन करने के लिए आ गए। उन्होंने 25 गेंद पर 37 रन की पारी खेली और वो टोटल बड़ी जल्दी चेस डाउन कर दिया। तो उनकी तरफ से कोशिश रही है कि गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी भी इम्प्रूव की जाए। बहुत से मौकों पर देखा गया है, चाहे TNPL हो या जब भी डोमेस्टिक क्रिकेट में अपॉर्चुनिटी बनी है, साई किशोर ने बल्लेबाजी करने का प्रयास किया है। उसके बाद गोवा वर्सेज बड़ौदा के मैच की बात करें, 228 किए गोवा की टीम ने। गेंदबाजी में बड़ौदा के लिए निनाद राठवा का अच्छा सीजन गया है, उन्होंने 39 रन देकर के 3 खिलाड़ियों को आउट किया। अतीत सेठ ने भी 1 विकेट लिया। लेकिन बैटिंग की बात होगी अभिमन्यु सिंह की, जिन्होंने गेंद से टॉप विकेट टेकर थे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, रन्स भी उन्होंने वहां पर भी बनाए थे, बट विजय हजारे ट्रॉफी में उनके बल्ले से 244 रन टोटल निकले। इस मैच में उन्होंने 71 रन नॉट आउट की पारी खेली और अपनी टीम को मैच जिताया। तो दोस्तों ये थी ओवरऑल इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंसेज फाइनल राउंड की विजय हजारे ट्रॉफी की। तो अब जो टीमें पहुंची हैं क्वार्टर फाइनल के लिए, उनमें केरला, विदर्भा, हरियाणा, राजस्थान, बंगाल और कर्नाटका, ये 6 टीमें डायरेक्ट एंट्री मिलेगी। बाकी 4 टीमें जो है वो प्री क्वार्टर फाइनल खेलेंगी, उसमें मुंबई, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और सर्विसेज। तो 6 टीमें वो हो गई और इन 4 में से 2 टीमें और ज्वाइन करेंगी जो क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगी, जो अपने प्री क्वार्टर फाइनल मैचेस जीतेंगी। तो ये था दोस्तों विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल राउंड और प्री क्वार्टर फाइनल और क्वार्टर फाइनल से पहले का हाल। आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक जरूर करें और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच सीविन।